अबू नाश्ता ला दो। बेटा यहाँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। वो डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट का बताया है, कुछ दिन तो आराम कीजिए। ना ना बेटा ना, इस तरह कमरे में बैठे बैठे तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, मुझे लॉन्च ही में ले चलो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। जी नहीं नहीं मरियम और शहरयार के बारे में, मैं ये चाह रहा था कि अगर इस महीने के एंड में मरियम और शहरयार की शादी हो जाए। जी 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 ग्रेट ग्रेट, बस आप आए, जैसे ही आप आएंगे तो हम डेट फिक्स कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रेट, वेरी ग्रेट, ओके सर, वेरी थैंकफुल टू यू, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, थैंक यू। मरियम अपने घर की जल्द से जल्द हो जाए, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा ठीक है, कुछ सांस फूल रही है मेरी। मैं आपको कमरे में ले चलूं? नहीं बेटा, कमरे में मुझे घबराहट होती है, मैं यही ठीक हूँ। अबू वो एक बात करनी थी आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे? हाँ बेटा बोलो। अब्बू मैं जॉब करना चाहती हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिएगा, वक्त का तकाजा यही है। बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन दुनिया वाले जो है ना, ये मासूम लोगों को शराफत से काम करने नहीं देते। अब्बू प्लीज। ठीक बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखो अब्बू, आपको डॉक्टर ने तो आराम करने को कहा है और आप यहाँ लाउंज में बैठे हैं। बेटा कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं लॉन्च में आ गया। अच्छा, आप जैसा बेहतर फील करें। आमिर खाना लाऊं? नहीं मुझे भूख नहीं। बेटा कुछ थके थके से लग रहे हो तुम। अबू बस वैसे ही। अच्छा एक बात तो बताइए, आज वक्त पर दवाई तो खाई ना आपने? हाँ बेटा दवाई मैंने ले ली थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उन्हें जॉब के लिए इजाजत दे दी। पिया को फोन करती हूँ। हेलो बिया। हाँ क्या हुआ, मिल गई इजाजत? हाँ अबू ने इजाजत दे दी। तुम अपनी अम्मी से कहो कि स्कूल वालों से बात करके इंटरव्यू का टाइम ले लें प्लीज। अरे अम्मी भी तो वहीं जॉब करती हैं, तुम्हें इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं, तुम बस समझो तुम्हारी जॉब पक्की। थैंक यू सो मच बिया, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर दे। थैंक्स की क्या बात है, चलो खैर मैं अम्मी को बताती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अरे आमिर, तुम कब आए? कुछ ही देर हुई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हापी, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरी जल्दी ही जॉब लग जाएगी। मगर आमिर, मैंने कहा ना हापी, आप बहुत भोली हैं, ये दुनिया के धक्के नहीं खा सकेंगे। परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा सलामत रखे। अच्छा, अपने प्यारे भाई को चाय नहीं पिलाएंगे? अभी लाती हूँ। अरे तुम अभी तक ऐसी बैठी हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हॉस्पिटल जाना है। मॉम, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी तुम? क्यों नहीं जाओगी? अपने भाई और बाप की गैरत को रौंद कर मेरी तरबियत को गलत साबित करके इतना बड़ा गुनाह किया, और अब चाहती हो कि उस गुनाह का बोझ तुम्हारे साथ साथ हम भी उठाएं? चलो मेरे साथ। मॉम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगी, चलो मेरे साथ अभी। और इसी बात, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं मारूंगी अपने बच्चे को। इनफ मरियम, और कुछ नहीं सुनना मुझे। इससे पहले कि किसी को ये बात पता चले, मैं ये बात यहीं खत्म कर देना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मारूंगी अपने बच्चे को, ये मेरे रिस्क की निशानी है। चलो मेरे साथ, चलो, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलो। मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाओगी? बोलो क्यों नहीं जाओगी? मैं इद्दत में हूँ। आगा, आप ठीक तो है ना? क्या कह रही है ये इद्दत? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मरियम, क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? क्यों हमारा इम्तिहान लेना चाहती हो? मॉम, मैंने और रिजवान ने कैसी माँ है आप? मरियम इस हद तक आगे निकल गई और आपको पता नहीं चला? अरे माएं तो बेटियों का चेहरा देखकर उनके दिल का हाल जान लेती हैं, मगर आपको किटी पार्टीज और ब्रांड की नुमाइश से फुर्सत मिलती तो पता चलता ना औलाद क्या कर रही है। हरियाली बेगम का फोन है। हरियाली बेगम का? एक मिनट, हाँ लाते। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं बहन आप? जी जी, मैं तहमीना बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तब्बो की बहन। तब्बो ने बात की होगी ना आपसे? तो फिर मिला कोई अच्छा रिश्ता? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें। जब आप लाहौर से वापस आ जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मिल लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह हाफिज़। कौन थी ये, किसका रिश्ता करवा रही हैं आप? रिश्ता करवाने वाली औरत है बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है। क्या? अरे कैसी माँ है आप? मरियम इस हद तक आगे निकल गई और आपको पता नहीं चला?
अरे माएं तो बेटियों का चेहरा देख के उनके दिल का हाल जान लेती हैं। मगर आपको किटी पार्टीज और ब्रांड की नुमाइश से फुर्सत मिलती तो पता चलता ना औलाद क्या कर रही है। हाँ, सारा कसूर मेरा है ना, क्योंकि मैं माँ हूँ। तो फिर आप कौन है? आप भी तो बाप है ना, फिर आपको क्यों नहीं पता चला कि आपकी बेटी ने छुपकर रिजवान से शादी कर ली थी? बोले क्या शादी? मेरी बात सुनो सर। असन आगा, जाने दे आगा, उसे मत रोके। भाई है, उसे भी तकलीफ हुई है, अपना गुस्सा निकालने दे उसे, ताकि मरियम को भी तो ये पता चले कि उसने किस किस के दिल दुखाए। हसन, हाउ कुड यू डू दैट? शर्म नहीं आई तुम्हें? शादी कर ली उस कमीने लड़के से जिसकी मैं शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। ज़बान संभाल की बात करो हसन। शट अप। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि किसी ने गोली मार दी उसे। उठो, मैं जान से मार देता। वाह 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 वाह, क्या कारनामा अंजाम दिया है मॉम और डैड की फरमाबरदार बेटी ने। हैं, सही हुआ तुम्हारे साथ, यही होना चाहिए, इसी लायक हो तुम। हसन प्लीज चले जाओ यहाँ से। शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए मरियम? चाय पियेंगे? दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, थोड़ा लॉन में टहल लें, डॉक्टर ने आपको वॉक के लिए कहा है। रहने दो, मैं यही ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सकते हैं? मैं जानती हूँ जी, औलाद का गम ना दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। खैर जी, मैं ना आप लोगों का ये किराया देने आई थी। गिन लीजिएगा मीना बहन, आज तक का ना आपका और हमारा हिसाब सारा क्लियर हो गया है जी। जिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, पैसों की इस वक्त बड़ी जरूरत थी। शुक्रिया की क्या बात है मीना बहन, ये तो आप लोगों की अमानत थी, मैंने दे दी, शुक्रिया कैसा। मीना, जी के लिए चाय तो ले आओ। ना जी, ना 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 ना, मुझे ना बड़ा जरूरी काम से जाना है, एक फंक्शन है, उसकी मीटिंग है जी, एडवांस एडवांस पर करना होता है ना जरा, है जी, तो मैं चलती हूँ। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने तुमसे ये कब कहा है कि तुम इद्दत पूरी ना करो, लेकिन हम मजबूरन तो हॉस्पिटल जा सकते हैं ना, तुम नकाब करके जा सकती हो। मॉम, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं नहीं कर सकती ये, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। रिस्क की एक आखिरी निशानी रह गई है ये मेरे पास। दुनिया को क्या जवाब दोगी? बोलो, क्या जवाब दोगी कि किसकी औलाद है? एक तो छुपके शादी कर ली, ऊपर से ना ही निकाह नामा और ना ही कोई सबूत। जो निकाह में गवाह मौजूद थे तुम्हारे पास, तो उनका नंबर तक नहीं, और अगर कोई सबूत मिल भी जाए तो जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है वो ही नहीं रहा इस दुनिया में। क्या जवाब दोगी बोलो, क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? जो सच है वही बता दीजिएगा। कौन मानेगा जब तुम ये सच बताओगी? तो कोई नहीं मानेगा, यहाँ तक कि रिजवान के घर वाले भी नहीं मानेंगे। मॉम, मैं नहीं कर सकती ये सब जो आप कह रही हैं। तुम्हें पता है कि ये बात अभी हसन को और तुम्हारे डैड को नहीं पता। जब उन लोगों को ये बात पता चलेगी तो कयामत टूट पड़ेगी उन पर।
मैं उन लोगों को नहीं बता सकती, इसीलिए बस यही हाल है हमारे पास मरियम। मान जाओ मेरी बात। नहीं मॉम, नहीं, मैं नहीं कर सकती, प्लीज नहीं कर सकती। तो आखिर तुम चाहती क्या हो? किसकी जान लेना चाहती हो तुम? अपने बाप की, अपने भाई की या मेरी? न जाने क्या सोचा हुआ है तुमने। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती मॉम, ना आपकी, ना हसन की, ना डैड की और ना ही इस होने वाले बच्चे की। ए, क्या बोला तूने मेरी बहन को? हाँ, आइंदा तुम मेरी बहन के आसपास भी नजर आए ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? I can't believe it. मेरी बहन जा ही नहीं सकती वहां पे। ये देखो, आपको क्यों नहीं पता चला कि आपकी बेटी ने छुपकर रिजवान से शादी कर ली थी?